लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा, चैप्टर शुरू किया था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की जहां तक बात है, इसमें हमने बोला कि भाई ब्लड पढ़ना है, और ब्लड में हमने बात की कि एक फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि तो इसके पास ना कोई फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ना कोई इसके फाइबर्स होते हैं, और ये मैट्रिक्स जो होता है इसका, यानी कि प्लाज्मा, लिवर में प्रोड्यूस होता है। ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है, काफी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे फूड सब्सटेंसेस, है ना, वेस्ट सब्सटेंसेस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कई तरह के इनऑर्गेनिक आयंस को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन करता है ब्लड, होम्योथर्मस बनाता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, ठीक है। प्लाज्मा की जहां तक बात है, वो एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। पेल येलो होने का उसका कारण क्या है? पेल येलो होने का उसका कारण है कि वो क्या बोलते हैं, बिलीरुबिन या यूरोबिल बिलीरुबिन होता है उसमें। प्लाज्मा, अच्छा, ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसमें जो मैट्रिक्स पार्ट है या लिक्विड पार्ट है वो 55% है, दैट इज प्लाज्मा। और उसमें जो लिक्विड पार्ट है वो 55% है, और जो सॉलिड पार्ट है वो 45% है। सॉलिड पार्ट जो है उसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स उसमें आ गए। एंड जो मैट्रिक्स पार्ट है, प्लाज्मा पार्ट, उसमें उसमें आ जाता है आप लोगों का 90 to 92% वाटर और 6 to 8% प्रोटीन, राइट। अच्छा, प्रोटीन्स की जहां तक हम बात करें तो प्रोटीन्स जनरली ये तीन तरह के प्रोटीन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीन तरह के प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं, फर्स्ट एल्ब्यूमिन, सेकंड ग्लोबुलिन और तीसरा फिब्रिनोजन। बेसिक इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी का ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करता है, प्रोड्यूस होता है लिवर में। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कि फाइट करते हैं, दैट फर्दर फाइट अगेंस्ट पैथोजन, फाइट, नोट्स बनाते चलेंगे आप लोग, फाइट अगेंस्ट पैथोजन्स, है ना, वो कुछ भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है, ओके। और फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। अगर किसी प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन ना हो तो उसको हम सीरम बोल देते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले हम लोगों ने शुरू की बात आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स, दैट इज इराइथ्रोसाइट्स। वर्टिब्रेट्स में जो इराइथ्रोसाइट्स है और मैमल्स में हम लोगों में जो इराइथ्रोसाइट्स है उसमें फर्क है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में ओवल न्यूक्लियेटेड बाइकॉन्वेक्स होता है, मैमल्स में सर्कुलर न्यूक्लियेटेड और बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। बाइकॉनकेव होने का कारण यह है कि सरफेस एरिया उससे बढ़ जाता है, लेकिन कैमल और लामा में एक कैमल और लामा में एक एक्सेप्शन ये है कि वहां पर जो आरबीसी है उनके पास वो बाइकॉन्वेक्स, ओवल शेप और न्यूक्लिएटेड है। आरबीसी जब ओरिजिन होते हैं, ठीक है, आरबीसी एट ओरिजिन, तो उनके पास न्यूक्लियस, गॉल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर सब होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होते रहते हैं दे लूज द हीमोग्लोबिन, ठीक है, सॉरी, दे लूज दीज सेल ऑर्गेनल्स टू एक्वायर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर पिगमेंट, ट्रांसपोर्ट करता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है तो कार्बमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। आरबीसीज हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनन मेम्ब्रेन बोलते हैं, विच इज हाईली परमिएबल टू क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयंस एंड इम्परमिएबल टू सोडियम एंड पोटेशियम आयन। आरबीसीज की जब मैं बात करूं तो आरबीसीज कहता है, आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस जो था उसका, मैच्योरेशन या डीजेनरेशन का जो प्रोसेस था उस दौरान उसने उसको लूज कर दिया था, तो उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और नेट रिजल्ट उसका 2 ATP होता है। आरबीसी के सरफेस में एंटीजन्स होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है, ए और ए एंटीजन होगा तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन होगा तो बी ब्लड ग्रुप, और आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप।
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में 5% हीम ग्रुप है, हीमोग्लोबिन में 5% हीम ग्रुप है और 95% ग्लोबिन प्रोटीन है। हीम जो ग्रुप है दैट इज आयरन और पोरफायरिन। आयरन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe2+ और हर मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का वो होता है 120 दिन। साइज ऑफ आरबीसी 7.3 माइक्रोन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इज मोर एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन की यहाँ पर मैं बात करूँ अगर तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ग्लोबिन की। सेवन पॉइंट फाइव लीटर क्या हुआ, बोलो बोलो। साइज तो आपने 7.5 लिखा हुआ है आरबीसी का, तो हाँ आप वही सेवन तो, पॉइंट 7.5 है। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, एडल्ट हीमोग्लोबिन में HbA बोलते हैं जिसे, टू Alpha+2 Beta चेन होती है। ठीक है, और फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है। ठीक है, ओके। नॉर्मल काउंट, नॉर्मल काउंट जो है आरबीसी का मेल में 5.5 मिलियन, 1 मिलियन घटा दो क्योंकि 1 लीटर ब्लड कम था मैंने बोला था, तो फीमेल में 4.5 मिलियन। न्यूली बॉर्न बेबीज में ज्यादा होगा, 1 मिलियन बढ़ा दो उसमें मेल के कंपैरिजन में, 6.5 समथिंग हो जाएगा। +1 और -1 मिलियन चलता रहता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एराइथ्रोपोइसिस। जिन ऑर्गन्स में होगा उसे बोलोगे एराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन, जैसे लीवर में और किडनीज में। ज्यादा हॉर्म और जो हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आरबीसी इज एराइथ्रोपोइटिन। एराइथ्रोपोइटिन कहाँ ज्यादा होता है, एराइथ्रोपोइटिन ज्यादा प्रेजेंट होता है किडनी में और कम प्रेजेंट होता है लीवर में, इसलिए प्रोड्यूस होते हैं ज्यादा लीवर में। इसको दोबारा हम एराइथ्रोपोइटिन पढ़ेंगे जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो याद रखना है। मतलब इतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे लेकिन वहां पे बस नाम नाम आ जाता है। आगे, एक्सेस ऑफ आरबीसीज, जो अगर आरबीसीज ज्यादा बन गए हैं तो वो स्टोर हो जाते हैं कहाँ पर, स्प्लीन में। ठीक है, इसीलिए स्प्लीन को एक और नाम दिया गया है, दैट इज ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोल देते हैं हम इसको। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो भी स्प्लीन में होता है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोल देते हैं। ठीक है, और 3 तरह के डिसऑर्डर्स बोलेंगे। अगर काउंट कम हो जाए आरबीसी का तो उसे एनीमिया बोला जाता है। अगर विटामिन 9 और विटामिन 12, B9 और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मैक्रोसाइट्स बनते हैं, और माइक्रोसिटिक अनीमिया, माइक्रोसिटिक अनीमिया Fe आयरन की डेफिशिएंसी से होता है जिससे माइक्रोसाइट्स बनता है। नॉर्मोसाइटिक अनीमिया का क्या मतलब होता है, एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस, दैट इज दैट्स इट। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं हम WBCs की। ठीक है, WBCs की बात करते हैं। WBCs जिनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, देखते हैं। WBCs जिनको ल्यूकोसाइट्स भी बोल देते हैं, एक सेकेंड रुकेंगे आप लोग। आज क्या बात करने वाले हैं हम, द टॉपिक इज ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, ल्यूकोसाइट्स।
राउंडेड। ल्यूकोसाइट्स कैसे होते हैं? राउंडेड। ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोल रहे हैं। दैट इज WBCs राउंडेड। नो पिगमेंट, न्यूक्लिएटेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नॉर्मल बात करूं अगर मैं ल्यूकोसाइट की, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एक टेस्ट होता है। अगर कभी जैसे आपको जैसे लैब में पता लगाना हो ना कि आपकी बॉडी में कितना WBC है, ये तो उसके लिए जो टेस्ट करवाते हैं वो होता है TLC, है ना? TLC दैट इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है? जनरली लोग TLC नहीं करवाते, CBC करवाते हैं। CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है? तो कंप्लीट ब्लड काउंट जब आप करवाओगे तो उसमें वो टोटल, करवाया किसी ने CBC? करवाया क्या? करवाया ही हो यार, बहुत नॉर्मल टेस्ट है वो, कॉमन है बहुत। करवाया किसी ने? हाँ वे हेलो। मम्मी का करवाया था। तो होता रहता है ये CBC में, मतलब आप देखोगे ना कभी ना CBC की, अगर किसी के पास रिपोर्ट है, या तो मैं जुगाड़ लगाता हूँ हॉस्पिटल से तो मैं दिखाऊंगा तुमको, ठीक है? यार मिल जानी चाहिए मेरे पास, कहीं होगी, मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में दिखा, उसमें सब लिखा रहेगा आपको, है ना? राइट राइट राइट, राइट सब लिखा रहेगा उसमें। तो हाँ, तो TLC यानी तो नंबर ऑफ, ये TLC कैसे, कितना, क्या यूनिट होती है इसके मेजर की करने की, कि कितना नंबर ऑफ WBCs प्रेजेंट है, कितना नंबर ऑफ WBCs प्रेजेंट है पर mm³ वॉल्यूम ऑफ ब्लड में। तो ये जनरली इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 6,000 से 8,000 काउंट में होते हैं, ठीक है? 6,000 से 8,000 काउंट में होते हैं। अब ये 6,000 से 8,000 तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना प्लस माइनस 2,000 होता रहता है। और अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी में, तो आपकी, मुझे ये बताओ जरा, अगर बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन होगा तो काउंट ऑफ WBC बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा और बताओ, सोचो। बड़े वाला उससे फाइट करने के लिए। राइट, बढ़ेगा, ठीक है? अगर जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में WBC का काउंट बढ़ जाता है। WBC का काउंट बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो आपकी बॉडी जो है इज नॉट एबल टू कोप अप, तो वो ज्यादा से ज्यादा WBCs बनाएगी, तो फाइट विद द फॉरन पैथोजन। अच्छा, RBCs का काउंट तो इसके मुकाबले बहुत ज्यादा होता है कि नहीं है? RBCs का काउंट हमने कितना देखा था बताओ? 5 to 5.5 million। 5.5 मिलियन जा रहा है, और इधर तो हम 6,000-8,000 बात कर रहे हैं। तो जो रेशियो होता है, कहीं ना कहीं आप देखो RBC बहुत ज्यादा से है, ठीक है? RBC और WBC का रेशियो कम से कम इतना रहता है, 600:1 का रेशियो रहता है, ठीक है? ठीक है, अब दो बातें हो सकती हैं यहाँ पे, दो बातें हो सकती हैं। ये जो नॉर्मल लेवल है, ठीक है, ये जो नॉर्मल लेवल है
ल्यूकोसाइट्स का, कि नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ सकती हैं ल्यूकोसाइट्स, नॉर्मल लेवल से अगर ज्यादा हो गई ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, ये शब्द का एसेंस ध्यान रखना, ठीक है, ये मतलब तो ध्यान रखोगे आप लोग, लेकिन इसका एसेंस भी ध्यान रखना कि अगर ज्यादा ल्यूकोसाइट्स हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर कम हो गई नॉर्मल लेवल से, है ना, कम हो गई नॉर्मल लेवल से ल्यूकोसाइट्स, डिक्रीज इन लेवल ऑफ ल्यूकोसाइट, तो उसे बोलते हैं ल्यूको साइटोपेनिया। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शब्द, साइटोसिस और साइटोपेनिया या पीनिया। साइटोसिस शब्द का मतलब इस्तेमाल हम तब करेंगे जब यहां से समझ आता है कि साइटोसिस शब्द का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब, साइटोसिस शब्द का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होगा। साइटोपेनिया का इस्तेमाल तब करेंगे जब डिक्रीज इन लेवल ऑफ सेल्स, नॉर्मल लेवल ऑफ सेल होगा, है ना। तो अगर मैं इसी की जगह पर मैं ये बोलूं को क्या बोल सकता हूं, अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये जो आरबीसीज है ना उसका लेवल बढ़ गया है नॉर्मल से, तो उसके लिए क्या शब्द क्या बोलेंगे फिर? बोलो। राइट। और अगर डिक्रीज हो गया नॉर्मल लेवल से तो राइट्रोसाइटोपेनिया बस राइट्रोसाइटोपेनिया। ऐसे ही देखना, ठीक है। ऐसे अगर प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ गया है तो क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कम हो गया है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बस शब्दों का खेल है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक कैंसर भी होता है, सुना होगा कभी, कैंसर होता है उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर को बोलते हैं, है ना, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, ल्यूकेमिया में भी अब ऑब्वियसली इन्फेक्शन है, तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज बढ़ जाते हैं। अच्छा, सवाल ये पूछ सकता है तुमसे कि किन किन कंडीशन में ये बढ़ जाते हैं, मैं इसको इधर थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। तो पूछ सकता है कि बताओ ल्यूकोसाइटोसिस कब हो सकता है, तो अभी बताया मैंने, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है आपका जब किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या बॉडी में किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो तब क्या हो सकता है, तब क्या हो सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, तो घट कब सकता है, डिक्रीज कब हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड, टाइफॉइड वगैरह में डिक्रीज हो, टाइफॉइड में, एड्स में भी, ठीक है, टाइफॉइड एड्स में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसीज को बेसिकली देखो क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस, डब्ल्यूबीसीज को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस कि भाई वो, उसके पास ग्रेन्यूल्स है कि नहीं है, कि उसका न्यूक्लियस कैसा है, ठीक है, न्यूक्लियस कैसा है, नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म कैसा है। तो क्या बोल रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से याद रखना ये क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस कि उसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट है या नहीं है, एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म,
नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, आपने डिवाइड किया इसको दो सेक्शन में, डब्ल्यूबीसीज को दो सेक्शन में डिवाइड किया, दो टाइप्स में डिवाइड किया. द फर्स्ट वन इज ग्रैन्यूलो, ग्रैन्यूलो साइट्स. सेकेंड वन इज ए ग्रैन्यूलो साइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स और ग्रेन्यूलोसाइट्स. ग्रेन्यूलोसाइट्स का क्या है कि जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं उनमें नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रेन्यूल्स ऑफ लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे. ग्रेन्यूल्स ऑफ लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे, है ना, ग्रेन्यूल्स ऑफ लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे. साथ के साथ यहाँ पर इनके पास गॉल्जी बॉडीज भी होता है, गॉल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट होगा. ठीक है, ए ग्रेन्यूलोसाइट में ऐसा कुछ नहीं है, एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स. एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, तो ग्रेन्यूल्स ही नहीं है यहाँ पे. अब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा ग्रेन्यूलोसाइट्स को क्लासिफाई करते हैं. अगर हम ग्रेन्यूलोसाइट्स को क्लासिफाई करें तो क्या क्या चीजें आ जाएंगी देखते हैं. ग्रेन्यूलोसाइट्स में चार तरह की डब्ल्यूबीसीज पढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, ग्रेन्यूलोसाइट्स में चार तरह के डब्ल्यूबीसीज पढ़ते हैं. सबसे पहला और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, दैट इज न्यूट्रोफिल्स. सेकंड इज इओ सिनो फिल्स. थर्ड इज बेसो फिल्स. फोर्थ फोर्थ इज एसिडो फिल्स. फोर्थ इज एसिडो फिल्स. हाँ, तो क्या बात कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स दोनों स्टेन से स्टेन हो जाएगा, इसलिए न्यूट्रल बोल रहे हैं. नाम से समझो ना यार इनको, नाम क्या कह रहे हैं. देखो, एसिड बेस न्यूट्रल, तब तो समझ आ रहा है. ठीक है, एसिड बेस और न्यूट्रल, मतलब कि अगर मुझे इसको देखना है, ये एसिडोफिल को अगर मुझे देखना है तो एसिड स्टेन का यूज करना पड़ेगा, एसिड स्टेन का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, एसिड स्टेन में दिखेगा ये, स्टेन मतलब कलर, एसिड स्टेन जैसे कि इओसिन. ठीक है, और अगर बेसोफिल को देखना है तो बेसिक स्टेन में स्टेन करना पड़ेगा, बेसिक स्टेन जैसे कि मिथाइलिन ब्लू. ठीक है, मिथाइलिन मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू. ठीक है, इसिनोफिल का अलग ही फंडा है, इसिनोफिल आपको वैसे भी नहीं दिखते हैं. ठीक है, इसिनोफिल नॉर्मल इंसान में उतना नहीं दिखेंगे, ये आपको उसी इंसान में दिखेंगे जिसको ल्यूकेमिया हो या ब्लड कैंसर हो, वहीं दिखेंगे. ठीक है, इसके लिए उतना स्टेन भी. दूसरा न्यूट्रोफिल्स यानी कि ये बेसिक स्टेन में भी स्टेन हो जाएगा. ठीक है, प्लस एसिड स्टेन में भी, एसिडिक स्टेन में भी स्टेन हो जाएगा, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल बोल देते हैं, बेसिक में भी और एसिडिक में भी. इसके बारे में ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट
एबंडेंट सबसे ज्यादा पाया जाने वाला न्यूट्रोफिल है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला न्यूट्रोफिल है। तो ये रही बात किसकी, दिस इज ऑल अबाउट आर ग्रेन्यूलो साइट्स। ये है ग्रेन्यूलो साइट्स के बारे में, जिसमें हमने चार ग्रेन्यूलोसाइट्स पढ़े, ठीक, चार तरह के ग्रेन्यूलोसाइट्स पढ़े, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स, ठीक है, नोट कर रहे हो आप लोग? ठीक है, फाइन, आगे बात करते हैं, आगे क्लासिफाई करें, अगर ए ग्रेन्यूलोसाइट्स के जिसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है उसको भी क्लासिफाई करते हैं, तो ए ग्रेन्यूलोसाइट एक्चुअली ए ग्रेन्यूलो साइट्स, ये भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ए ग्रेन्यूलोसाइट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज मोनोसाइट्स, ठीक है, जिनको मैं बोलता हूं मॉन्स्टर सेल्स, ठीक है, मॉन्स्टर सेल्स। देखो आगे क्या है, लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स तो हम लोग भरपूर मात्रा में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ पढ़ा था लिम्फोसाइट्स, बोलो यार कहाँ पढ़ा था लिम्फोसाइट्स, हेल्थ बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स है ना। बी लिम्फोसाइट्स के बारे में जब बात करते हैं कि ये बनता है बी फॉर बोन मैरो, तो ये कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है ना। इसके बारे में क्या बोलता है, टी फॉर थाइमस, तो ये कहाँ बनता है, थाइमस ग्लैंड में बनता है, ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये बड़ा भाई है मैं बोलता हूँ जैसे कि, है ना, तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, तो फिर ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, छोटा भाई है ये, तो ये हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, हेल्प करता है बी सेल्स की इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। दूसरा इसकी खास बात क्या है, इट इज फेगोसाइटिक इन नेचर, जब एड्स होता है किसी को सबसे पहले टी सेल्स गिरते हैं, क्योंकि इट इज फेगोसाइटिक इन नेचर, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, अगेन इंपॉर्टेंट बात, आर द मोनोसाइट्स, सबसे बड़े डब्ल्यूबीसीज अगर कोई होते हैं तो वो कौन से होते हैं, मोनोसाइट्स। इसी में आते हैं आपके मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस बोलते हैं इनको, इनका काम क्या होता है, दे ईट डेड सेल्स, हमारी बॉडी के जो डेड सेल्स होते हैं उनको खाते रहते हैं, समझ आया, आया ना। सर, जो लिम्फोसाइट है वो पूरी फेगोसाइटिक है या बस टी लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट इज फेगोसाइटिक इन नेचर, बी लिम्फोसाइट तो एंटीबॉडीज बना के काम करता है, इसीलिए आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी होगी कि क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी बना के काम करता है, इसीलिए इस इम्यूनिटी को बोलते हो आप, इस यहाँ से जो एंटीबॉडी, यहाँ से इम्यूनिटी जो मिलती है आपको उसे बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, याद आ रहा है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसे एएमआई बोलते हैं, है ना, या फिर इसी के लिए दूसरा शब्द है दैट इज ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन शॉर्ट एचएमआई बोलते हैं। वहीं टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सिंस इट इज फेगोसाइटिक इन नेचर, तो द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट इज
ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता, डायरेक्ट सेल फाइट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। याद आ रहा है ना? यस बस ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की कि एक्चुअल में ये WBCs बनते कहाँ है। तो जैसे हमने बोला कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स, बोलो। अरे बता दो यार। राइट, एराइथ्रोपोएसिस इराइथ्रोफोरेसिस, है ना, देख के बोल रहे हो तुम लोग, पढ़ के रिवाइज नहीं करते हो। नहीं भैया याद है। अच्छा, तो ऐसे ही अगर मुझे ये बोलना हो कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, WBCs, क्या बोलेंगे फिर उसको, बताओ। ल्यूकोपोरेसिस ल्यूकोपोइसिस, तो ल्यूकोपोइसिस बोलेंगे। जिस तरह से इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स थे, वैसे ही ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स होंगे। एंड व्हाट आर द ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स देन, ये पढ़ना चाहिए हमको। कहाँ ये WBCs बनते हैं, कहाँ पर ये WBCs बनते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स आर, एज वी नो, आधे तो हमने यहीं पे डिस्कस कर लिए, बताओ दिख रहा है। हाँ यार। थाइमस बोन मैरो बोन मैरो में बनेगा, और कहाँ बनेगा, ठीक है। बोन मैरो के पास एक ऐसा एंजाइम होता है जिसकी वजह से WBCs बनते हैं, कौन बताएगा वो देखते हैं, बताओ जल्दी। सानिका को बताना चाहिए, बता, बाकी भी बताओ, कोई नहीं। ल्यूकोपोइटिन। एंजाइम बोल रहा हूँ, एंजाइम। त्रिशा, त्रिशा को पता होना चाहिए, सानिका को पता होना चाहिए, तुम लोगों को भी पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, बताओ जरा। कौन सा एंजाइम है जो WBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है? अब ये इंटरलिंकेज जो है वो, अगर यही चाहिए, यही कनेक्टिविटी चाहिए, कौन है ये? बताओ अच्छा कौन था ये, कविता? अरे सुनो कोई भैया वो बात नहीं, बताओ मुझे जरा, बताओ 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 यार, यही इंटरलिंकेज चाहिए। मैं बोलता हूँ ना कि क्वेश्चन बाहर से नहीं, चैप्टर के इंटरलिंक। गई ह्यूमन हेल्थ नहीं, हम क्यों बताएं, ह्यूमन हेल्थ से कहाँ से है, पूरे पूरे एनसीईआरटी में ही है ये लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ में से है ना। आरबीसी, बारहवीं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में कोई और WBC में कोई एंजाइम है जो हेल्प करता है, ठीक है। उस एंजाइम को बनाने के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। यार इतना हिंट दे दिया मैंने, अभी बता देना चाहिए था तुम लोगों को। और हिंट दूं? ये वाली डिजीज थी, जीन थेरेपी थी भाई। राइट, पहुंच गई। हाँ, एडीएजी, एडीए एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज, याद आ रहा है, जिसकी जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से एससीआईडी, है ना, बायोटेक में। अब तो बोन मैरो और थाइमस में, और कहाँ कहाँ, जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं आपके, जैसे कि पेयर्स पैचेस, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है ना ये, पेयर्स पैचेस, ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो, लिम्फ नोड्स, ठीक है, ये सब। कौन से बोन भी थे।
बोन मैरो, थाइमस, पेयर्स, पैचेस, लिम्फ नोड्स, ये सब ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, ये ल्यूको स्प्लीन में भी बनता है। ठीक है, स्प्लीन में भी, टॉन्सिल हाँ सब ठीक है। तो मेन मेजरली तो ये है ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स। ठीक है, मेजरली ये ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स है। देन वी आर मूविंग टू प्लेटलेट्स, जिनको आप है ना थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हो। नाउ वी आर मूविंग टू प्लेटलेट्स, जिनको आप लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हो। इतना नोट हो गया क्या? नहीं भैया, एक मिनट रुक जाओ। हो गया नोट? हाँ देखो क्या बात कर रहे हैं। हाँ, प्लेटलेट्स पढ़ना है ना। देखो 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 स्क्रीन शेयर कर दो। रुको, प्लेटलेट्स ठीक है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होते हैं आपके, ये समथिंग साइज होगा इनका 2 to 3 माइक्रोन जितना साइज होगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज का थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, भैया हाँ आपने तो ये बताया ही नहीं, मेसोफिल्स क्रिएट करते हैं, हिस्टामिन सेरोटिन हेपरिन तो एंड एलर्जी में। अरे
एलर्जी में बात करते हैं ना उसकी हम। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसमें। इसके बारे में चलो देखते हैं, चलो इसको देखते हैं। कोई नहीं, देखो चलो एक एक लाइन इनके बारे में पढ़ लेते हैं ना, सही रहेगा। सही बोल रही है ये, पढ़ना चाहिए इसको थोड़ा सा, सबके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं डेप्थ में। देखो क्या कहा जा रहा है, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स आर फेगोसाइटिक इन नेचर। न्यूट्रोफिल्स आर फेगोसाइटिक इन नेचर, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आर फेगोसाइटिक इन नेचर, जो जो बाहर से कोई भी पैथोजन वगैरह आएंगे, बैक्टीरिया और वायरसेस आएंगे, उनको फेगोसाइटोसिस करता है, खा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। और इसिनोफिल, इसिनोफिल की जहां तक बात है, ठीक है, इसिनोफिल आपको पता है ल्यूकेमिया में देखने को मिलेगा। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स तीन केमिकल सिक्रीट करता है, तो बेसोफिल सिक्रीट्स एंड ट्रांसपोर्ट, व्हाट दे सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट, तीन केमिकल्स हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। हेपेरिन, हिस्टामिन, हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, है ना। ये जो हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है, ये कब सिक्रीट होता है? हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट होता है जब आपका, ध्यान रखना, हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये तो तब सिक्रीट होते हैं जब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो ये दे सिक्रीट फ्रॉम योर स्पेशली हमें मास्ट सेल्स, याद आ रहा है कहाँ उत्तर ले लो नहीं जाने। से सिक्रीट होते हैं? ये मास्ट सेल से सिक्रीट होते हैं ड्यूरिंग एलर्जी, फ्रॉम मास्ट सेल्स ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। हिपेरिन की बात करूं तो हिपेरिन क्या है? हिपेरिन आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट। वेरी गुड, नेचुरल एंटीकॉगुलेंट है, नेचुरल एंटीकॉगुलेंट है, जो कि आपके ब्लड को बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होने देता, है ना। अगर बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होने लगता है, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर ब्लड कभी क्लॉट्स बनने लगते हैं ना बॉडी के अंदर, तो क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जब क्लॉट्स बनने लगते हैं तो हम उस इंसान को लीच से कटवाते हैं, है ना, लीच थेरेपी देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि लीच की जो बॉडी होती है, लीच के पास, लीच का जो सलाइवा होता है, उसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है हायरुडिन। इसीलिए लीच को हम लोग, लीच का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने एनिमल किंगडम में, हायरिडोनेरिया बोलते हैं, याद आ रहा है, हायरिडोनेरिया, हाँ, ठीक है। एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स इसका मेन काम जो होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट्स, इसको थोड़ा साइड, प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शंस एंड अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस।
एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके बारे में। सबसे ज्यादा मैंने बोला मोस्ट अबंडेंट जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दैट इज जितने भी WBCs है ना टोटल, उसका 62-65% आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, 62-65 जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। 20-25% ये होते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, 20-25% लिम्फोसाइट्स होते हैं और 6-8% मोनोसाइट्स हैं। 6-8% मोनोसाइट्स हैं। सबसे कम होते हैं आपके बेसोफिल्स, मिनिमम नंबर ऑफ TLC जो है वो बेसोफिल्स का होता है, दैट इज 0.5-1%। ठीक है, इसिनोफिल मत पूछना क्योंकि वो दिखते ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स का होता है 2-3%। ठीक है, 2-3%। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है एंड एनसीईआरटी हाँ ने लिखा है इसिनोफिल्स जो है वो 2-3% है। इसिनोफिल्स क्या है, हाँ जो है वो 2-3% है। दो तीन परसेंट है इसिनोफिल। हाँ, तो इसिनोफिल 2-3% तब हो जाता है जब एक्चुअली क्या होता है, मैं बताता हूँ। न्यूट्रोफिल्स ही जो होते हैं, सॉरी एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स जो है वो ही जब इंक्रीज हो जाते हैं तो इसिनोफिल्स बनाने लगते हैं। तो जो एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स दिया है उसने, नहीं, उसकी जगह ना उसने इसिनोफिल्स की वो लिख रखी है, मतलब राइट, इसलिए मैं है बोल रहा हूँ। सुनो, ये वाली लाइन पढ़ो तो आपको समझ जाएगा, मैं बताता हूँ एक और लाइन। इंक्रीज लेवल ऑफ एसिडोफिल्स, जब एसिडोफिल्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ये नहीं दिया एनसीईआरटी में, तो इसी को वो इसिनोफिल बोल रहा है। तो यहाँ पे 2-3% बोल रहा है ना वो, इसी को वो काउंट करके इसिनोफिल बोल रहा है। तो एसिडोफिल्स का जब काउंट बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इसिनोफिलिया, दैट इज कॉल्ड इसिनो। नेचुरली आपको इसिनोफिल्स नहीं दिखते हैं, इसे यही मैं बोल रहा हूँ। इंक्रीज लेवल ऑफ इसिनोफिल्स जो एसिडोफिल्स जो होता है उसको बोलते हैं इसिनोफिलिया। ठीक है, वो कब होता है इंक्रीज लेवल ऑफ, ठीक है, अगर कोई टेनियासिस हो जाए। टेनियासिस पढ़ा है, टेनियासिस हाँ, टेप फॉर्म से होता है। टेप फॉर्म, राइट, गुड। ठीक है, या फिर एस्कैरियासिस हो जाए, एस्कैरियासिस पढ़ा ये तो इस कैरेक्टर जो होता है है, राउंड वॉर्म है ना, और क्या है, या फिर अस्थमा, अस्थमा, इन सब कंडीशंस में ये है। तो तब उस केस में बोलोगे 2-3% है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ आया। एनसीईआरटी ने सॉर्ट करके एसिडोफिल्स को ही इसिनोफिल को, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। ठीक नेक्स्ट। है, हाँ, और जो जरूरी बात है जो आपको पता, माइक्रो बात कर रही है भैया, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
ऑडिबल? सर। ठीक है, क्लियर है ना आवाज? क्लियर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये छोटे साइज में होते हैं और फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो स्मॉलर साइज है ना इनका, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज प्लस फेगोसाइटिक इन नेचर। वो तो पहले ही बता दिया कि स्मॉलर साइज है, फेगोसाइटिक इन नेचर, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एंड फेगोसाइटिक इन नेचर इनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो पुलिसमेंट ऑफ ब्लड बोलते हैं। लेकिन मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स को क्या बोलते हैं? मोनोसाइट इज ऑल्सो ऑब्वियसली फेगोसाइटिक इन नेचर, मोनोसाइट इज ऑल्सो फेगोसाइटिक इन नेचर, बट इनका साइज बड़ा है या छोटा है? इवन मैक्रो ही बोल रहे हैं, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है ये, तो लार्जर साइज है इसका, ऐसा है कि नहीं है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, मैक्रो पुलिस मैन ऑफ ब्लड। इज इट क्लियर और नॉट? आ गया समझ? हो गया ना क्लियर? ये आगे बढ़ते हैं, और कुछ तो नहीं छूट रहा है, बताओ, हो गया ना अब? ठीक है। सर साइज में सबसे छोटा कौन है इनमें से? साइज में सबसे छोटा कौन है? साइज जी में सबसे छोटे होते हैं आपके लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अगर साइज इतना डीप में जाना नहीं लेकिन पूछ ले, मैं बता देता हूँ कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। डब्ल्यूबीसी का जनरल साइज कितना बताया आपने? कोई साइज नहीं होता है ऐसे। हाँ, तो इनका साइज बहुत छोटा होता है, लिम्फोसाइट्स का साइज बहुत छोटा होता है। अगर आप कंपैरिजन के लिए जाना, सबको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, लिम्फोसाइट्स का जो साइज होता है वो 6 to 16 माइक्रॉन होगा। ठीक है, 6 to 16 माइक्रॉन होगा, और जो बेसोफिल्स है वो उससे भी ज्यादा छोटे होते हैं। बेसोफिल्स कहीं अटकते हैं, ये 8 से 10 माइक्रॉन, इतना छोटा साइज रहता है इनका। तो इसको आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हो, लिख लो इसको कि स्मॉलेस्ट ग्रेन्युलोसाइट या स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इससे ज्यादा मत पढ़ना यार, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? अगर डब्ल्यूबीसी के लिए आप अगर सिर्फ ये नोट्स भी रिलाई करोगे, ठीक है, या डब्ल्यूबीसी क्या मैं बता रहा हूँ, पूरे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के लिए सिर्फ ये नोट्स पे रिलाई कर दोगे तो इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कहीं और इधर उधर मत जाना। समझ रहे हो? लग रहा है ना ये इनफ है, इतना पढ़ना इनफ है, एनसीईआरटी से काफी सही है ये। समझ रहे हो कितना जी पढ़ना है? एनसीईआरटी से ज्यादा जा रहे हैं ना थोड़ा सा? ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज, आपने सुना होगा जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जब पढ़ते हैं तो न्यूट्रोफिल्स को ही एक और नाम देते हैं, दैट इज पीएमएनएल सेल्स। सुना है ये? पॉलीमॉर्फ पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं इनको, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस होता है ना। तो ये किस में पड़ा था, कहाँ पड़ा था, याद है? न्यूक्लियर याद है जो बैरियर्स पड़े थे उसमें था। जो बैरियर्स पड़े थे उसमें जो सेलुलर बैरियर था वहां ये पड़ा था, है ना? अब आ जाते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की जहां तक बात है,
भैया यहाँ पे आपने सिरोनिन लिखा है, वो तो सेरोटोनिन होता हाँ यार, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन ही लिखेगा और सेरोनिन क्यों लिखूंगा। ठीक है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का साइज तो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटे सेल्स ऐसे समझ लो, क्योंकि इनका साइज जो है वो 2 to 3 माइक्रॉन। जो सबसे छोटा WBC है वो है तुम्हारा 8 से 10 का। आरबीसी का जो साइज है वो कितना है, आरबीसी छोटे हैं थोड़े से WBC से, ठीक है। आरबीसी का साइज है 7.5, याद आ रहा है कि नहीं? आरबीसी का जो साइज है वो क्या है, 7.5 माइक्रॉन ना। और सबसे छोटे जो आपके स्मॉलेस्ट जो WBC है उसका साइज 8 से 10 है। तो और उससे सबसे छोटा अगर आपसे पूछे कोई सेल है तो वो कौन है, कौन है? प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स, राइट। अच्छा, तो अब देखो क्या हुआ, इसका जो लाइफ स्पैन है उसका, इस प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है, WBC का जो लाइफ स्पैन होता है, इट इज अराउंड 2 to 5 days, लाइफ स्पैन ऑफ 2 to 5 days, ठीक है। 2 to 5 days का लाइफ स्पैन होता है इसका। नॉर्मल काउंट जो होता है, नॉर्मल नॉर्मल काउंट कितना रहेगा इसका, नॉर्मल काउंट रहेगा, आपने सुना होगा यार, 1.5 लाख होते हैं, 1.5 से 3.5 लाख, है ना। और ये हमेशा यूनिट जो है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है, वो पर mm³ ऑफ ब्लड लेकर चलते हैं, ठीक है। कि इतने सब जगह ये कॉमन रखेंगे, अब उधर सेंटीमीटर इधर मीटर ऐसे नहीं ले सकते ना, हम कॉमन लेकर चल रहे हैं। हम यही मानकर चल रहे हैं कि पर mm³ ऑफ ब्लड में इधर 3.5 लाख या 3.5 लाख प्लेटलेट्स होंगे, 6 से 8 हजार WBCs होंगे, और 4.5 to 5.5 मिलियन, क्या ये भी जो है, ये हम बोल रहे हैं, ये भी जो हम बात करते हैं, ये पर mm³ ऑफ ब्लड में ही बात करते हैं, ठीक है। 1 mm³ ऑफ ब्लड में कितने RBC हैं, कितने WBC, ठीक है। इनको, इनका दूसरा नाम क्या होता है प्लेटलेट्स का, अभी बताया था, जल्दी बताओ। इनको बोलते हैं थ्रोम्बो, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स राइट। इनको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना प्रेजेंट होते हैं किसमें, मैमल्स में, ठीक है, मैमल्स में। थ्रोम्बोसाइट्स प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोसाइट्स बनते किधर से हैं, इनका जो पास्ट वर्जन जो होता है वो होता है मेगाकैरियोसाइट्स, ठीक है। पहली बात, ये क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास, तो ये क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ आप बोलते हैं कि दे आर डिराइव फ्रॉम, कहाँ से बनकर निकले हैं ये, तो दे आर डिराइव फ्रॉम व्हाट, मेगा कैरियो साइट्स, मेगा कैरियो साइट्स। मेगा कैरियो साइट सेल्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो में। तो ये प्लेटलेट्स भी कहाँ बनते होंगे, बोन मैरो में, है ना। कैसे होते हैं, और ये इसका कॉमन थोड़ा सा फीचर वगैरह पढ़ो तो, ये डिस्क शेप के होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर,
इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है, ओवल शेप्ड होते हैं, और बाइकॉन्वेक्स शेप्ड है, ठीक है, बाइकॉन्वेक्स शेप्ड है। अब वो तो है ही, देखो ये पता ही है अपने को कि अगर डिक्रीज लेवल ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा तो क्या बोल देंगे उसे हम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। राइट, थ्रोम्बो साइटोपिनिया, गुड, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ज्यादा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि सबको पता होगा कि क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स का क्या, क्लॉटिंग, क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो क्लॉटिंग कैस्केड होती है हमारी, उसमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये क्या रिलीज करता है, कैसे, कि इट रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। पढ़ेंगे हम इसके बारे में, थ्रोम्बोप्लास्टिन के बारे में, जब ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक पढ़ेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कॉगुलेशन, विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ कोआग्यूलेशन, ठीक है, विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कॉगुलेशन। एक और चीज, प्लेटलेट्स ही बनाते हैं क्या, दे सिंथेसाइज, जो हम सेरोटोनिन बोल रहे थे ना, ये सेरोटोनिन भी बनाता है, सिंथेसाइज करता है सेरोटोनिन, ओके। याद रखोगे इतना। कभी कभी अगर मान लो कि डिक्रीज हो जाए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए, तो अगर तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, है ना, तो अगर थोड़ा सा कट वगैरह भी लग गया तो ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ, हाँ या ना, हाँ हो सकता है ना, ठीक है। तो यहां तक रखते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में थोड़े से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ब्लड ग्रुप में थोड़ा सा दिमाग जो है वो ओपन अप करके आएंगे आप लोग, ठीक है, मतलब उसमें बहुत दिमाग लगने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आएंगे। तो इतना हुआ आज, आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, ल्यूकोसाइट्स के बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि भाई राउंडेड है, कोई पिगमेंट नहीं है, न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, है ना, इस फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा कि ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल्स, है ना, और फिर ए ग्रेन्युलोसाइट में हमने बोला मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स पढ़ा, इनके बेसिक बेसिक थोड़े थोड़े इसको पढ़ना घर जाके, फिर थ्रोम्बोसाइट्स पढ़ा, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में एनसीईआरटी में भी कुछ खास ज्यादा दिया नहीं है, है ना, इतना बहुत है, इतना याद कर लो, इनफ है, ठीक है, दो चार लाइन है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना जो मैं मिनिमम जो देता हूँ आपको, मैं ये इसलिए देता हूँ, कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और इस तरह से कथा समाप्त। सर, जो सेरोटोनिन लिखा आपने, सेरोटोनिन जो होता है वो मास्ट सेल भी होते हैं और ये सेल बनाते हैं। मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, राधे सर। राधे 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 राधे, पहुंचो, समझ आया ना, यस सर। ओके।